मैंने फोक पे काम किया पूरे मतलब सेंट्रल हिमालयाज के कुछ कुछ फोक टेल्स पे और उस पर, और उससे पहले भी क्योंकि मैं इसी धरती पर पैदा हुआ, यही मैंने गीत सीखे अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, इन्हीं खेतों पर। मेरे साथ जो फोक का जो संबंध है वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ संबंध। गाते हुए या उन 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 मौसमों में लोग त्यौहार मनाते थे जिन मौसमों में वो खेतों पर काम करते थे या खेतों के काम जिनमें आजकल आप देख रहे हैं हमारे वहाँ हिमालय का सबसे बड़ा त्यौहार एक तरह से जो बड़े त्यौहारों में से एक है आठों गौरा वो मनाया जा रहा है, वो ठीक इस बरसात के सीजन में मनाया जाता है जब नीचे घाटियों पर या पहाड़ों पर पर्याप्त घास हो। पहाड़ का फोक है वो पूरा पूरा श्रम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कल्चर है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, वो पुराने शिकार घेरने के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो केवल कल्चर नहीं है, वो एक तरह से स्मृति कोष है, एक तरह से हमारी मेमोरीज का भंडार है, एक तरह से हमारे इतिहास, क्योंकि हम इतिहास में कहीं नहीं है, सबॉल्टनिस्ट है ना परिधि के लोग जो है वो इतिहास में कहीं नहीं है, वो अपने गीतों पर, अपने फोक टेल्स पर, अपनी परंपराओं पर ये पूरी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी लेते हुए यहाँ तक आए, और अभी भी ये क्रम निरंतर चल रहा है और ये आगे भी चलेगा, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बची रहनी चाहिए। जैसे भैया दूज के दिन नहीं करते हैं हम सिर पूछते हैं भैया का, भैया दूज करते हैं, वही हुआ हमारा यहाँ। शादी होने वाली है अब तो। कल फोक का रियल मंच आंगन खेत और ये सब है, और फोक देखने की चीज नहीं है, फोक शामिल होने की चीज। अगर आप फोक में शामिल नहीं है, उनके साथ घूमे नहीं, उनके साथ नाचे नहीं, उनके साथ गाए नहीं, तो आपने क्या फोक देखा और आपने क्या जिया उसको? आप केवल स्टेज पर उसको देख रहे हैं उनकी रंगतों को, तो आप केवल उनको उनकी बेसिक जहाँ वो खड़ा है फोक वहाँ से काट के देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया के जो फोक लॉरिस्ट होते हैं या फोक को समझने वाले लोग होते हैं वो लोग जमीनों पर जाते हैं जहाँ फोक एक्चुअल उसमें दिखता है। जिंदगी में प्यार कदम पड़ा जब म्यार सनम संगीत की सरगम बाजी रे छम छम दगाड़ रे तुम जन्म हर जन्म ओ नथुली को घेरो दे दो पूनम को चांद छकम। इलाके की पूरी बात करें तो 350
बेसिक रूप में फोक आर्टिस्ट इस इलाके में है, पूरी जो जोहार घाटी और ये जो रामगंगा घाटी, पूर्वी रामगंगा घाटी, और इतनी बेहतरीन बेहतरीन शैलियां हैं। तुम बसंत की बहार छे तो भौरा मैं तेरो छू कमू, मैं जेठा का घाम जस सुआ, तू पीपल जस छाऊ छे कमू। तू बसंत टाऊ मैं बसी, गंगा जस सात छे कमू, मैं जून चु तेरी रात को, तू मेरी चुन्याली रात छे कमू। नथुली को घेरो तेरो, पूनम को चांद छे कमू। फोक का एक नए किस्म का रूप आप देख पाएंगे जो हमारे शहरों में है, प्रवासी उत्तराखंडी समाज या पिथौरागढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में, जिसको एक तरह से जिन मेलों को सरकारें प्रायोजित करती है लोक संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तो उसमें जो होता है आप बेहतर जानते हैं, उसमें मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, उनके माला पहनाए जाते हैं और वो एक तरह से जो पूरा फोक है वो एक स्टेज पर दिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ पहाड़ों में हुआ है। इससे फोक को कोई फायदा नहीं हुआ, इससे फोक को नुकसान ही हुई। नुकसान इस मायने में हुआ है कि जो रियल फोक आर्टिस्ट थे वो बहुत दबे रह गए। तू मेरी प्रीत की या क्याली जैसी तीस छह कम, जिंदगी में प्यार कदम पड़ा जब म्यार सनम, संगीत की सरगम बाजी रहे छम छम, दगाड़ रहे तू जन्म हर जन्म। हो नकली हो घेरो तेरो, पूनम को चांद छे कम। मुझे लगता है कि ये जो इससे रियल जो फोक आर्टिस्ट थे उनको बहुत नुकसान हुआ। अगर इस इलाके की पूरी बात करें तो 350 बेसिक रूप में फोक आर्टिस्ट इस इलाके में है, पूरी जो जोहार घाटी और ये जो रामगंगा घाटी, पूर्वी रामगंगा घाटी। तो अभी वो अगर बचे हैं बेसिक रूप से, अगर रियल फोक बचा है तो इस वजह से बचा है कि हमारे नेचर के साथ हमारे संबंध कम नहीं हुए, अभी वो जुड़े हुए हैं। खेतियाँ धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो लोग खेतियों से जुड़े हुए हैं, जो इलाके जुड़े हुए हैं, वहाँ अभी भी फोक बचा हुआ है। और जब तक खेती बची रहेगी फोक बचा रहेगा, और जब तक फोक बचा रहेगा तब तक इंसानियत बची रहेगी, एक दूसरे से लोग बात। किसी भी इलाके की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो उस इलाके की स्थानीयता है, उसकी जनपदीयता है, उसकी लोकेलिटी है। रहवासी जिस क्षेत्र में जिस गांव में काम करता है वो इस बात को देखता है कि जो परंपरागत ज्ञान है वो चाहे लोकगीतों से आ रहे हों, जनगीतों से आ रहे हों, या हमारे जो परंपरागत त्यौहार है उनसे आ रहे हों, उनको कैसे एक अकादमिक रूप में हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकें। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृ मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, रंग रूप खेत में बाहर जुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, जुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, खट्टर बट्टर आग जलाई, खट्टर बट्टर आग जलाई, खट्टर बट्टर साग पकाया, खट्टर बट्टर साग पकाया, अनेकी खेत में और भरी नानी बरू गोड़ूला साथ में करूला।
जिस प्रकार नए गाने, कंटेम्प्रेरी गाने और कमर्शियल गाने यहाँ उतनी ही जल्दी पहाड़ों में बच्चों तक पहुँचते हैं जितने कि कहीं और। मेरा दीवाना ओ म्यारा देवू म्यारा दीवाना तेरे आए मैंने उलो बगता था मंदिर में जुलो मेरी सरूली ओ मेरी सारू मेरी सरूली मेरी सरूली ओ मेरी सारू मेरी सरूली मेरी सरूली मेरी। अब इसमें जब अकादमिक शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसमें अकादमिक का मतलब कभी भी प्रोफेसर या मतलब जो डिग्री है वो नहीं होता। वो ये होता है कि वह नॉलेज जो हमको हमारे जीवन जीने को एक तरह से सरलता प्रदान कर सके या एक तरह से हम बहुत सहज तरीके से अपने जीवन को देख सके। जिस इलाके में रहवासी काम कर रहा है पीपलतड़ के बरला तोक में या उसके आसपास के गांवों में, तो ये बहुत साफ तौर पर हमको लगता है कि उसके जो मास्टर है वो वहाँ के बुजुर्ग हैं, वहाँ की वो महिलाएं हैं जिन्होंने खेतों में, जंगलों में, नदियों के किनारे और तमाम किस्म के पेड़ पौधों की प्रजातियों को देखते हुए, तमाम किस्म के गीतों को समझते हुए बिताया है। बटाना दाजू कुर्ती कॉलर मा ओ मेर मधुली जरे ब्यूटी पार्लर मा चम चांदी बटाना दाजू कुर्ती कॉलर मा ओ मेर मधुली जरे ब्यूटी पार्लर मा फाटा मोहना तू जय पूछे दारू ने पीनू चरमा फाटा सुनने जगह।
कार्की ये वो नाम है जिसने अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर अपने नाम को इतिहास में दर्ज करवा दिया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कुमावनी लोक गायक पप्पू कार्की का जन्म 30 जून 1984 को पिथौरा जनपद के सेलवाना गांव में हुआ था। पप्पू कार्की की बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि थी। महज 5 साल की उम्र से ही वो न्योली गीत गाने लगे थे। साथ ही होली, रामलीला और स्कूल के कार्यक्रमों में अपनी गायिका से महफिल सजाते थे। जब वो 5 साल के थे तब से वो इस क्षेत्र में गीत गाने लगे। पारंपरिक न्योली, झोड़ा, चाचरी और रामलीला स्कूलों में वो प्रोग्राम किया करते थे। साल 1998 में उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण सिंह कार्की के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी। उनके जो गुरु थे श्री कृष्ण कार्की जी, उन्होंने उनको फर्स्ट मौका जो दिया था 1998 में। 2006 में उन्होंने उत्तराखंड में हुए उत्तराखंड आइडल में भी भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद मेहरा के साथ मिलकर छम लागची एल्बम के लिए गाने रिकॉर्ड किए और यहीं से उनके सितारे चमकने शुरू हुए। साल 2010 में ब्रह्मा कैसेट के बैनर तले रिलीज हुई ये एल्बम लोगों ने बेहद पसंद की और इसके गीत डीडी हार्ट की जमुना छोरी ने उन्हें काफी पहचान दिलाई। और डीडी हार्ट की जमुना छोरी जब उनका आया तो वो तो उस टाइम पे तो बहुत ही एक अलग ही गाना बन गया था। मतलब वो हर जगह वही बजता था, बर्थडे में, शादी में, किसी के फंक्शन वगैरह में और स्टेज शो में बहुत डिमांड थी उस गीत की। तो बहुत डिमांड थी डीडी हाटे की छमना छोरी। डीडी हाटे की छमना छोरी, दिल लिए तू छोरी छोरी। डीडी हाटे की छमना छोरी, दिल लिए तू छोरी छोरी। और धीरे धीरे तो बहुत गीत उनके ऐसे हिट हुए, जैसे मैं बोलूँगा हीरा समधनी, बहुत पुराना फोक गीत था, अपने तरीके से वो लेके आया और बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। देश विदेशों में आज भी वो गीत बहुत बेहतरीन तरीके से लोग उसको पसंद करते हैं। उसके बाद फिर उनके लगातार नए नए गीत आते रहे और जो कुमाऊनी जो उनका फोक जो था, स्पेशली जो उनका पकड़ जो थी फोक पे थी, वो न्योली और चाचरी को बहुत सुंदर तरीके से अपने तरीके से गाते थे। पुराने शब्दों को उठाते थे, पुराने गीतों को वो पकड़ते थे और उन पर बहुत अच्छा वर्क करते थे और जब वो प्रेजेंट करते थे तो वो अलग ही एक नया चेहरा बन के आता था। काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा सिंगर हम लोगों के बीच में आया कि जिसके गानों के बच्चे भी दीवाने थे, बड़े भी दीवाने थे और उनकी जो गायकी थी वो दिल तक पहुंचती थी। तो जो उनका व्यक्तित्व था, मतलब बिल्कुल हंसमुख रहते थे और सबसे बिल्कुल ऐसे मिलजुल के रहते थे, वो ही व्यक्तित्व उनकी गायकी में भी झलकता था। और कुछ और एल्बम निकालने के बाद उन्होंने 2017 में पीके एंटरटेनमेंट के नाम से स्टूडियो की शुरुआत की, जहां वो युवा कलाकारों को गाने का प्रशिक्षण देने लगे। इसके अलावा भी उनका एक सपना था कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जो बहुत गाँव से लोग आते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो अभी उन्होंने इसीलिए ये स्टूडियो खोला था। तो हम उनका ये कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्टूडियो से लगातार जो हमारे फोक म्यूजिक पे जितना अच्छा काम हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनके लाइव कार्यक्रमों में होने वाली भीड़ उनकी लोकप्रियता को दर्शाती थी। वो पुरानी चीज़ों को आधुनिक तौर पर ले गया और यूथों को बहुत बेहद पसंद आने लगा, जिसके लिए पप्पूदा के गीत सुनने के लिए जब लाइव प्रोग्राम होता था पता लगता था कि उनका प्रोग्राम है, तो टूट टूट के लोग वहाँ पर आते थे और रात के कम से कम 12 से 1 बजे तक जो है लोग खूब झूमते थे उनके गीतों में। पप्पू कार्की अपनी पत्नी कविता कार्की और अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ अलवानी में रहते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा काम, खुशहाल जिंदगी। लेकिन 9 जून 2018 को इस खुशहाल जिंदगी ने पप्पू कार्की का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उनका ऐसे अचानक हम सबको छोड़ के चला जाना हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पप्पूदा के जाने के बाद जो है
हम बिल्कुल हताश हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन सबसे बड़ी जो हिम्मत जुटाई वो हमारी भाभी ने, तो उन्होंने उनके सपने को जो है एक मजबूती से स्टैंड लिया कि नहीं हमें करना है। उनके जाने के बाद तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीजें खुद कर पाऊंगी, या मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। पप्पू दा के टाइम से मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जो इनकम्प्लीट रह गए थे, कुछ सॉन्ग्स के उन्होंने डमी रिकॉर्ड की हुई थी, जिनमें से एक सॉन्ग पे मैं खुद काम कर रहा था, और जब ही वो सॉन्ग जिस दिन कंप्लीट हुआ था और मैंने उनको भेजा था, वो लास्ट टाइम उसको सुन भी नहीं पाए थे, तो उसके नेक्स्ट डे ये न्यूज़ मिली थी। उनका नाम है, उसको हमेशा लोगों की जुबान पर रखना है, गानों के जरिए, चाहे पी के एंटरटेनमेंट नाम के जरिए, चाहे पी के फाउंडेशन के जरिए, कैसे भी। और जो मेरा बेटा है, मुझे मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो सिंगर बनेगा, डॉक्टर बनेगा क्या, वो उसकी अभी उसे शौक है गाने का और वो गाता है, और उसके ज़रिए लोग मेरे हस्बैंड पप्पू गार्की जी को अभी भी याद करते हैं या उसमें उसकी झलकियाँ देखते हैं जो ऑब्वियसली दिखती है। सुने ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा।